एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा गुम्बद वाला माना जाने वाला मंदिर बहुत ही रहस्यमय है। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी को हम आज आपको शेयर करेंगे। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देवभूमि हिमाचल में भगवान शिव के बहुत सारे मंदिर हैं, सबका अपना अपना महत्व है। वहीं हिमाचल के सोलन में जटोली शिव मंदिर स्थित है। यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। दक्षिण द्रविड़ शैली में बने इस मंदिर को बनाने में करीब 39 साल का समय लगा। जटोली शिव मंदिर सोलन से करीब 7 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि पौराणिक समय में भोलेनाथ यहां आकर कुछ समय के लिए रुके थे। बाद में एक सिद्ध बाबा स्वामी कृष्णानंद परमहंस 1008 ने यहां आकर तपस्या की। उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जटोली शिव मंदिर का निर्माण हो पाया। मंदिर के कोने में स्वामी कृष्णानंद जी की गुफा भी स्थित है। यहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर में दाईं ओर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। इसके 200 मीटर की दूरी पर शिवलिंग भी स्थित है। मंदिर का गुंबद 111 फीट ऊंचा है, जिसके कारण इसे एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक रात के लिए विश्राम किया था। कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा था, जिसे देखते हुए स्वामी कृष्णानंद परमहंस जी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और त्रिशूल के प्रहार से जमीन में से पानी निकाला। तब से लेकर आज तक जटोली में पानी की समस्या नहीं है। लोग इस पानी को चमत्कारी मानते हैं। लोगों का मानना है कि इस जल में किसी भी बीमारी को ठीक करने के गुण है। यह रविवार को भंडारा भी लगता है। आपने यदि इस मंदिर के दर्शन करने हैं, भव्य भोलेनाथ शिव शंकर के दर्शन करने हैं, तो आपको सोलन से राजगढ़ रोड होते हुए जटोली मंदिर तक जाया जा सकता है। सड़क से 100 सीढ़ियां चढ़कर भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यहां बस, टैक्सी, ऑटो से पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर खुद में ही एक बहुत रहस्यमयी है। जटोली मंदिर के पीछे की कहानी का यही एक राज था, और भोलेनाथ की यहाँ पर अपार कृपा है। इस भव्य शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ति होती है और पुण्य को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरा ये YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।